यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अपसाइड का मोमेंटम दिया, फिर वो डाउन आया है ना लो पे, जहां पर लो था ना लो के आसपास आ गया है। अब लो के पास आसपास आने के बाद क्या हुआ, देखो रिटेस्ट करने के लिए ये ऊपर गया। अब यहां पर आपकी स्कैल्पिंग बनती है इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से आपकी स्कैल्पिंग बनती है ना, क्योंकि रिटेस्ट करना था और यहां पर असिस्टेंट बना लिया है, तो हमने यहां पर पुट बाई कर लिया है ना 53,000 का, 52,000 पे चल रहा है मार्केट, 52,900 पे हमने 53,000 का पुट बाई कर लिया है। और अभी उसका करंट प्राइस हम देखेंगे, 444 के आसपास बाई किया है, 458 460 के आसपास चल रहा है, 60,000 का इन्वेस्टमेंट है। मैं सिर्फ यहाँ पर 5% का रिस्क लूंगा भाई, 60,000 का अगर हम 5% निकाले तो 3,000 रुपये होता है। जैसे ही मुझे यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट होगा मैं पहली फुर्सत में निकल जाऊँगा। अभी आप देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2,500 2,600 है ना, तो भाई 460 63 के आसपास चल रहा है, मैं करीब मानता हूँ कि इसको यहाँ पर 470 के आसपास मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, तो मैं 470 का ऑर्डर लगा देता हूँ, 470 का मैं ऑर्डर लगा देता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ भाई। ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, अगर हम ज़्यादा लालच करते हैं ना तभी हमें लॉस होता है ना। अभी आप देखो कितना, 465 पे हमें 3,000 के आसपास का, 466 पे हमें 3,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है भाई। सफिशियंट है इतना प्रॉफिट, बहुत है इंटरेस्ट है में इतना प्रॉफिट, इससे ज्यादा कि आप सोचो ही मत। अगर आप ये सोचते हो ना कि अगर हमें एक ट्रेड से 100 पॉइंट लेना है, 150 पॉइंट लेना है, 200 पॉइंट का मोमेंटम देख ले, मैं बोल रहा हूं भाई हमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता फिर उस मार्केट में, है ना। अगर आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग करना है तो यही एक टेक्निक है कि आपके कैपिटल का इंट्राडे में आप एक स्ट्राइक से 5% से ज्यादा लेने की मत सोचो। अगर आप उससे ज्यादा लेने की सोचोगे तो आपका लॉस होगा। अभी आप देखो हमने करंट अभी देखो कितना हो रहा है, 3,000 के आसपास हो रहा है, 466 467 469 और ये 70 शायद अभी टच नहीं हुआ है, 468 के आसपास चल रहा है। जैसे 470 के आसपास होगा ऑटोमेटिकली यहां पर एग्जिट हो जाएगा। तो जो ट्रेडिंग है ना ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोगों ने पता है इसका एक ऐसी हवा बना रखी है कि ट्रेडिंग तो इतना डिफिकल्ट पार्ट है, ट्रेडिंग तो इस तरीके से एक ऐसा है कि बिना इंडिकेटर के, बिना कोई टेक्निक के, बिना कोई रणनीति से हम नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं भाई ट्रेडिंग से अच्छी कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन आपको ये स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर कि आप मार्केट को अच्छे से समझ पाओ। आप सोचो कितना सा मूवमेंट है, कितना सा, सिर्फ ये कैंडल के अंदर ये प्रॉफिट हो गया है। आप देखो इतनी बड़ी कैंडल है, 50 पॉइंट की भी कैंडल नहीं है ढंग से, चलो मानते हैं कि 50 पॉइंट की कैंडल है बैंक निफ्टी के अंदर। अब आप देखो ना अगर 50 पॉइंट की कैंडल है तो हमने भी तो क्या करा है, 444 के आसपास बाई करा है ना, हम कितना छोटा सा पॉइंट्स ले रहे हैं। अभी 460 के आसपास चल रहा है, 457 के आसपास चल रहा है, मतलब अगर हमें एक ट्रेड से 3,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है बहुत है हमें। ज्यादा अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे 100 पॉइंट्स के आसपास यहां लेना है, 200 पॉइंट्स के आसपास मैं यहां पे पोजीशन बनाऊं, ये गलत है, ये गलत होता है। कभी भी बड़ा टारगेट लेने की मत सोचो, क्यों, क्योंकि बड़ा टारगेट हर दिन नहीं मिलता। अगर आप एक दिन बड़ा टारगेट ले लेते हो ना तो बार बार आपको यही माइंड में आएगा कि मुझे बड़ा प्रॉफिट लेना है, बड़ा टारगेट लेना है। आपके पास में 1,500 2,000 की इमेज नहीं बचेगी। अगर आप 10,000 का प्रॉफिट एक बार में लेते हो तो आपके सामने 1,000 1,500 रुपये की वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा छोटा प्रॉफिट ले, छोटे छोटे प्रॉफिट से ट्रेडिंग को सीखें, एक एक लॉट से काम करें, प्रैक्टिस करें, देन कहीं ना कहीं आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। अभी आप देखो हमने 470 के आसपास ऑर्डर लगाया था, अभी देखो 472 चल रहा है, 470 पे हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया। अब आप देखो 3,034 के आसपास हमें यहाँ प्रॉफिट हो गया, देखो ठीक है 13,000 हमें प्रॉफिट हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था करीब 66,000 रुपये और करीब 13,000 हमने निकाल लिया भाई। बहुत है, बहुत है, 10% निकल गया एक दिन का, बहुत है। अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, डन फॉर द डे। ऐसे ही ट्रेडिंग को सिंपल वे में सीखो, समझो भाई। बड़े बड़े फोमो में आके किसी के प्रॉफिट देख के कभी भी ट्रेडिंग मत करो, है ना, खुद से सीखने की कोशिश करो। मार्केट यहां सब कुछ बताता है, सब कुछ बता रहा है यार। अगर आप देखोगे नहीं, देखो ना ये रिटेस्ट कर रहा है, डाउन आ रहा है, सब कुछ तो दिखा रहा है। अब यहां पर क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको भाई, देखो ना समझ में आ रहा है। कैंडल जो होती है ना वो सब कुछ बताती है, लेकिन आपको कैंडल्स को समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।